नमस्कार, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस ग्रुप में इंग्लिश और हिंदी पढ़ाया जाता है। तो इसमें ग्रुप में जो जिसने पैर लिया है, उन्होंने मतलब ज्वाइन कर लिया है, तो उनका कहने का मतलब है कि बहन हमें हिंदी पढ़ना सीखना है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से है, उन्हें हिंदी पढ़ना आता नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कल की क्लास पढ़ाई थी, कल की क्लास में मैंने बताया था कि वर्णमाला याद करनी पड़ेगी जब हम हिंदी सीख पाएंगे। तो वर्णमाला तो आप लोगों को पता है ना, वर्णों की माला। उसके बाद वर्ण होते हैं आ से लेकर ह तक के, उसमें से उनके उच्चारण होते हैं, वो भी मैंने चर्चा कर दी है। आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा वाले शब्द। आ की मात्रा और आ की मात्रा, यानी दो आ होते हैं, एक होता है हमारा छोटा आ और एक होता है हमारा बड़ा आ। इसका इसकी कुछ मात्रा नहीं होती, इसका डंडा होता है। तो आज हम इस पे चर्चा ना करते हुए इस पे चर्चा करेंगे। तो बने रहिए फुल वीडियो में, और जो YouTube फैमिली है उन्हें अगर ग्रुप ज्वाइन करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगी। और YouTube पर पढ़ाने का और टेलीग्राम पे पढ़ाने का मतलब ये होता है कि YouTube पर वीडियो में सीरीज वाइज सीरीज नहीं डालती हूँ, वहाँ पे फ्री पढ़ाती हूँ इसलिए। और यहाँ पर मैं पैसे देकर पढ़ाती हूँ, पैसे लेकर पढ़ाती हूँ। तो आपको कंटेंट क्या सीधा आपको सीरीज वाइज सीरीज मिलेगा, ओनली यहाँ पे कंटेंट पर, ओनली यहाँ पे पढ़ाई की बातें होंगी। और वहां पर मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, जो कि अपना दिनचर्या के साथ साथ अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल और अपने ब्लॉग की लाइफ स्टाइल, ये सब आप लोगों के लिए बनाती हूँ। तो बस इतनी ही इंफॉर्मेशन देनी थी। तो यहाँ पर मैं आज आ की मात्रा की चर्चा करूंगी। इसका मतलब होता है अंदर की साइड अक्षरों को बोलना। जैसे मैंने बोला है, ये लिखा है, एक ये लिखा है, तो ये आज हम इस वाले शब्द पर चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब होता है पा। तो इस दोनों शब्द को मिलाएंगे तो पाप, और यदि दोनों मात्राएं करेंगे हम पापा। तो इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस उच्चारण पर। जो गहराई से पढ़ेगा वो ही उच्चारण करना सीख पाएगा। तो जैसे मैंने शब्द बोले हैं, नल पल चल घर टप भर, तो इस प्रकार के शब्द होते हैं, इन पर मात्राएं नहीं होती हैं। इनको हम बिना मात्रा के या शब्द भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ड तो हम बोलेंगे नहीं। वर्ड मैंने अगली क्लास में पढ़ा दिया है, वर्ड का मतलब होता है ध्वनि निकालना। जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इंगा, त ठ ड ढ अड़म, त थ। तो इसी प्रकार पा प्लस बा को मिलाएंगे तब जाके हमारा शब्द बनेगा तब। ता प्लस वा को मिलाएंगे तो तब। हा प्लस रा को मिलाएंगे तो हर। तो आई हो कि आप लोगों को यह समझ में आई होगी, ये क्लास यूजफुल है। नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिएगा।